नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। दशा फल 16 की बात करते हैं। हम लोग अंतर दशा फल को ही समझ रहे हैं, ये आप लोगों को समझ के चलना है। और हमने बताया कि चूंकि अंतर दशा का बहुत अधिक महत्व है, तो हम दशा फल में सबसे अधिक बल अंतर दशा पर ही देंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि अंतर दशा फल को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि अंतर दशा फल को आप समझ गए तो फल प्राप्त होने का समय और फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना प्राप्त होगा, ये सब आपको अंतर दशा से ही समझ में आएगा। इसीलिए हमने आपको बिल्कुल ही सूक्ष्मता से बताना है और आपको भी समझना है। और हम पुनः दोहराएंगे कि हम जो श्लोक ले रहे हैं वर्तमान समय में, ये फलदीपिका का श्लोक है और फलदीपिका को हैंडबुक के रूप में हम जैसे ज्योतिषियों को प्रयोग में लाना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब दूसरे भाव अर्थात सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस का यदि दशा हो, अब दूसरे स्थान में जो ग्रह स्थित होगा उसके स्वामी को ही दूसरे भाव का स्वामी कहेंगे, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब दूसरे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, फल वो अपने प्रकृति के अनुसार करेगा, लेकिन फल क्या करेगा वो इन श्लोकों में लिखा हुआ है। और हमेशा जो श्लोक में लिखा होता है उसमें विशेषकर ये लिखा होता है कि अगर ग्रह बलवान हो तो क्या फल होता है। तो यदि द्वितीयेश बलवान हो तो क्या फल होता है, उसको हम लोग समझते हैं। कहते हैं पाकर्थेनाथस्य कुटुंब सिद्धिम, कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी का दशा चल रहा हो तो कुटुंब सिद्धिम अर्थात कुटुंब के साथ आपका मिलना जुलना होगा, बात विचार अच्छा होगा, आपके कुटुंब आपके सहयोगी होंगे। क्योंकि दूसरे स्थान से हम लोग कुटुंब की बात करते हैं, ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। फल आसमान से नहीं आना, फल हमारे पत्रिका से ही हमको प्राप्त होना। अब दूसरे की दशा चल रही हो तो आठवें से फल नहीं आना, नौवें से फल नहीं आना, दूसरे के ही स्वामी का फल प्राप्त होना। तो हम हमेशा कहते हैं कि बहुत ही आराम से आप समझिए ज्योतिष को तो बहुत सरल हो जाएगा। तो कहते हैं कुटुंब सिद्धिम, अब ये है सतपुत्रिकाप्तिम। अब इसका मतलब क्या है, सत सत मतलब अच्छे सच्चे, पुत्रिका मतलब लड़की। अब यहाँ लड़के की बात नहीं हो रही है, इसको भी समझिएगा। अर्थात द्वितीयेश की दशा में संतान में स्त्री जातक का होना संभव हो सकता है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब हम संतान का चैप्टर शुरू करेंगे तो वहाँ इसकी चर्चा होगी। लेकिन द्वितीय स्थान हमारे कुटुंब का है तो हमारे कुटुंब की वृद्धि हो रही, इसलिए द्वितीय स्थान से संतान की भी बात हो जाती और विवाह की भी बात हो जाती, लेकिन संतान में पुत्री की बात हो रही है, इसको आगे समझेंगे। तसत पुत्र काप्तिम सुख भोजनम चौ, अब सुख भोजनम का मतलब क्या है कि दूसरे स्थान से ही हम लोग मुख का विचार करते हैं, तो हमारे जो खाने पीने का लत है उसकी बात भी दूसरे स्थान से होती है। अब हम कहते हैं ना कि आज मिष्ठान भोजन प्राप्त हुआ, आप देखते होंगे कि घर से मीठा खा के निकले, जहाँ कहीं जा रहे हैं वहाँ भी मिष्ठान ही मिल रहा है, और दिन भर की दिनचर्या में आप उस दिन मीठा ही विशेष रूप से खाने का अवसर आपको मिला। आपके पास बहुत धन संपत्ति होता है लेकिन सुबह 10 बजे का खाना शाम को 4 बजे नसीब होता, कभी कभी दिन में खा नहीं पाते, रात में परेशानी में खाते हैं। धन बहुत है, पैसा बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन खाने का समय आपको प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ जब द्वितीयेश की दशा होगी और द्वितीयेश बलवान होगा तो सुख भोजनम चो, सुखपूर्वक भोजन प्राप्त करेंगे। आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी प्रकार का भोजन आपके पास उपलब्ध हो रहा हो,
लेकिन आप सुखपूर्वक उस भोजन को ग्रहण करेंगे यदि द्वितीय बलवान है और उसकी दशा है। और दशा में कहा, हम अंतर दशा की बात अब कर रहे हैं विशेष रूप से। अब कहते हैं प्राप्नोति वाक जीविकाया धनानी। अब यहां आजीविका की बात हो रही है। प्राप्नोति वाक, वाक मतलब बोलने से, आजीविकाया धनानी, कि बोलने से हमको धन प्राप्त होता, कब? द्वितीय की दशा में। अब हम सबसे पहले तो ये कहते हैं आजीविका की जो बात आ गई उसको यहाँ समझ लेना जरूरी है। हम पीछे हमेशा ये चर्चा आप लोगों को करते रहेंगे और आप समझ जाएंगे कि दूसरे से आजीविका की बात क्यों होती। ये 10th हाउस है हम लोग जानते हैं, ये 2nd हाउस है ये भी जानते हैं, और ये 6th हाउस है ये भी जानते हैं, और ये तीनों त्रिकोण में आता है ये भी हम लोग जानते हैं। पहला मानिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 और 9 है ये। तो दूसरे और छठे से आजीविका की बात होगी ही होगी, लेकिन अब दशा द्वितीयेश की है, इस स्थान के स्वामी की दशा है, तो क्या कहता है? प्राप्नोति, प्राप्त होगा वाक आजीविकया धनानी, बोलने से। अर्थात आप देखते होंगे कि बहुत आदमी, जैसे कोई इंश्योरेंस में है, कोई सेल्स पर्सन है, या बोल करके, जैसे वकीलों का काम भी बोल के प्राप्त होता है धन, तो जहां बोलने के बाद धन प्राप्त हो वो आपको कहां प्राप्त होगा? द्वितीयेश की दशाओं में। तो बहुत आदमी सोचता है कंसल्टेंसी का काम शुरू कर लें, क्या गुरुजी बताइए ना। अब कंसल्टेंसी का काम क्या है भाई? दूसरे स्थान से हम बात करेंगे, क्योंकि वहां से बोलने से ही काम होगा, आप अपने वाणी से ही प्रभावित करके पैसे लेंगे। अब कंसल्टेंसी किसी भी तरह का होता है, कोई आईटी कंसल्टेंट है, कोई मेडिकल कंसल्टेंट है, हम ज्योतिष के कंसल्टेंट हैं, तो सबसे पहले सामने वाले को समझाना ही पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं प्राप्नोति वाक जीविकया धनानी, कि द्वितीयेश की दशा हो तो वाक वाणी से धन प्राप्त करने की संभावना अधिक हो जाती है। अब तब होती है जब द्वितीयेश बलवान हो। हमेशा हम यही बात कहते हैं कि द्वितीयेश का बलवान होना जरूरी है, और द्वितीयेश बहुत कमजोर है, और किसी का प्रश्न आ गया कि हम कंसल्टेंसी का काम करना चाहते हैं, बोल करके धन कमाना चाहते हैं, तो हम उसको मना कर देंगे कि भाई द्वितीयेश आपका बलवान नहीं है, हम इस काम के लिए आपको हाँ नहीं कहना चाहते। तो हमने कहा कि बहुत ही शांत प्रिय होकर के यदि आप ज्योतिष को करना चाहें तो किसी भी फल को पकड़ना और किसी को उचित सलाह देना नामुमकिन नहीं है, संभव है। अब कहता है वक्ता सदुक्तिंग प्रशस्ताम। अब दूसरे की बात ही है, अब दूसरे स्थान की बात ही हो रही है, तो ऐसे में हम अच्छे वक्ता हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? दूसरे से ही वाणी का विचार होता है, दूसरे से कुटुंब का विचार होता है, दूसरे से धन का विचार होता है, तो धन वाणी कुटुंब इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा यदि द्वितीयेश की दशा में हो रहा है, तो सिर्फ द्वितीयेश कितना बलवान और कमजोर है इस पे आप ध्यान दे देंगे तो आप उनके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि पता तो है नहीं कि होना क्या है, लेकिन उपाय 13 बता देते हैं कि ये कर लो 40 दिन, ये 45 दिन, ये 42 दिन, इसको 11 दिन करना है यहाँ। तो हम हमेशा से कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ ज्योतिष पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम हमेशा कहेंगे कि अपने आचरण में सद्गुण लाने का प्रयास कीजिए। धन किसी भी मार्ग से कमाया जाता है, हम ज्योतिष से ही कमाते हैं, लेकिन अपना अलग सिद्धांत है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप भी ज्योतिष से धन कमाइएगा, लेकिन इस तरह से गलत उपाय करके धन कमाने का कोई लाभ आपको इस जीवन में तो मिलेगा, लेकिन मन को वो शांति, मन को वो आनंद नहीं मिलेगा, और ज्योतिष की तो हानि होगी ही होगी। तो हमारी हानि हो जाए एक बार, ये हमें मंजूर है, हम ज्योतिष की हानि नहीं चाहते, क्योंकि इसी विद्या के बदौलत
हम जीते हैं या हमारी आजीविका चलती है। हम हमेशा कहते हैं कि पढ़िए और नित्य पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम भी आपको पढ़ाने से पूर्व पढ़ने का प्रयास करते हैं और आपके प्रश्न जब आते हैं तो सोचते हैं कि इसका किस तरह से हम जवाब दें। अगर हमारे पास जवाब नहीं होता तो हम पुस्तकों में ढूंढते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पाठ आपको बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में आता होगा। कोई भी परेशानी हो तो पाठ से संबंधित प्रश्न आप बेहिचक पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज हमारे द्वारा नहीं किया जाता और निश्चित मदद किया जाता है। आप सोचते होंगे कि वर्तमान समय में तो कम लोग हैं पूछने वाले, तो आप मदद करते हैं। हम तो चाहते हैं कि दिन भर हमको यही प्रश्न पूछने वाले ही हो जाएं, हम उनकी ही मदद करते रहें। ऊपर वाला मेरी आजीविका चलाता रहेगा, इसकी चिंता नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं पाठ आपको पसंद आता होगा। आगे इसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।